क्लास बारहवीं के स्टूडेंट आपको स्वागत है एक कोई फाइनली आपका क्लास बारहवीं के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट पेपर दो का सोल्यूशन लेके आ चुके ठीक है तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना इस वीडियो में आपका क्लास बारह यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट पेपर टू का सोल्यूशन कराने वाले हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना साथ ही आपको यहाँ पर गलत सोलूशन अपनी कॉपी में नहीं लिखना अगर आप यहाँ पर गलत सोल्यूशन अपनी कॉपी में लिखते हैं तो आपके कम मार्क्स आएंगे ठीक है इसलिए हम जो 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 सोल्यूशन करने वाले हैं अगर आप यहाँ पर इस सो सोल्यूशन को अपनी कॉपी में यहाँ पर लिख लेते हैं तो आपके यहाँ पर स्टूडेंट अस्सी में अस्सी लाने से यहाँ पर कोई नहीं रह सकता ठीक है इसकी हम आपको सौ पीछे गारंटी दे सकते हैं और आप यहाँ पर अप हमारा सोल्यूशन अपनी कॉपी में लिख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट पेपर टू का यहाँ पर पूरा सोल्यूशन कराने पा तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं जो आपका सोलूशन है वो देख लेते हैं ठीक है तो इस वीडियो को आपको एंट्र साथ ही जो आपका पेपर है पेपर आपको स्कूल से मिल गया हुआ ठीक है और आप अगर आपके पास पेपर नहीं है तो पेपर जो पी है वो आपको मिल जाएगा टी ग्रुप में और टी ग्रुप की लिंक के यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है तो आप वहाँ से जो इस पेपर पी डी है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे ठीक है तो चलिए आपका पहला सेक्शन ये आता है रीडिंग पहला क्वेश्चन आता है रीड द पैसेज ठीक है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फोर ठीक है दस नंबर का पैसेज आता है तो इसे पढ़ लीजिएगा ठीक है ये आपका पैसेज है अब चलिए इसके जो क्वेश्चन आते हैं तो इनके क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं तो पहला आपको क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं पहला क्वेश्चन आता है भाई गिज किन ऑन विजिटिंग द लेक इन बेनार्स ठीक है पहले का आंसर आपका सी हो जाएगा ठीक है पहले का आपका सी करेक्ट आंसर होने वाला है अच्छी तरह सुनते जाइए साथ ही अपनी कॉपी नोट करते जाइए अब दूसरा क्वेश्चन आपका आता है ठीक है भाई डिज द किंग अप्रोच द मिनिस्टर्स तो आपका दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा ठीक है दूसरी का आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होने वाला साथ ही हमने यहाँ पर ग्रीन क्लास है यहाँ पर बिंदु भी रख दिया ठीक है जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है उसमें हमने यहाँ पर ग्रीन क्लास है टिक कर दिया ठीक है तीसरे का तीसरा क्वेश्चन आता भाई डिज द हेड हंटर रिलीज द किंग गोल्डन गॉज ठीक है तो आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर ए हो जाएगा ठीक है तीसरे का आपका ए होने वाला है अब हम यहाँ पर देख लेते चौथा तो आपका चौथा आता है भार बार द किंग एंटेशन बिहाइंड ब्लेंडिंग आर लेक ठीक है तो इसका जो चौथे का आंसर आएगा चौथे का आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा ठीक है चौथे का आपके यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आपके यहाँ पर चौथे का डी होने वाला है और फिर आपका पाँचवा आता पाँच में एक आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है मैं पढ़ के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा ठीक है तो पाँचवी का आपका यहाँ बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और फिर आपका कौन सा आता छः में आता ठीक है तो छः में क्वेश्चन आता भाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर्स गिवन टू द किंग ठीक है तो छः में का आंसर आपका क्या हो जाएगा छः में का आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर ठीक है तो यहाँ अपनी कॉपी नोट करते जाइए वो हम आपको यहाँ पर राइट आंसर दे रहे हैं और सातवा आता है बिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ समूह का ठीक है तो इसका जो जो सातवीं का आंसर आएगा सातवीं का आंसर अच्छा आपके यहाँ पर हो जाएगा डी ओनली टू एंड थ्री ठीक है ये आपके यहाँ पर सातवीं का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर आपका यहाँ पर आठवां आता हो आठवीं का आपके यहाँ पर डी होने वाला ठीक है आठवीं का डी हो जाएगा और सातवीं का भी सॉरी आठवीं का डी और नौवीं का भी आपका डी हो जाएगा ठीक है याद करते जाइए और आपकी कॉपी नोट कर लीजिएगा और फिर आपका दसवां आता है तो दसवीं का आपके यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है फाइनली हमने आपके जो पहला क्वेश्चन था जो कि दस नंबर का था वो हमने यहाँ पर करा बेस्ट सोलूशन सही करा दिया ठीक है और आपने कॉपी नोट कर लिया होगा नहीं नहीं किया तो फिर से देख लीजिएगा ठीक है आपके यहाँ पर क्वेश्चन टू आता रीट द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट आल्सो गिव अ स्विटल टाइटल टू इट ठीक है तो जो आपका क्वेश्चन टू है इसे देख लीजिएगा ठीक है ये आपके पैसेज है जो इसका सोलूशन है वो हम यहाँ पर पहले जो आपके ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन है ठीक है उनकी सोल्यूशन देख लेते हैं जो आपके थोड़ी लॉन्ग आंसर है उनके सोलूशन हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं ठीक है तो आपको इसी वीडियो पूरा देखना हम सभी का आंसर देखेंगे ठीक है अभी इसको छोड़ देते हैं ठीक है थोड़ा इसका लॉन्ग आंसर है तो इसको छोड़ देते हैं बाद में हम देख लेते हैं इसका आंसर ठीक है जो तीसरा क्वेश्चन आता है तीसरा क्वेश्चन आता है तो जो आपके तीसरे का अथवा ठीक है डिजाइन एंड अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स ठीक है तो जो इसका सोलूशन है वो देख लेते हैं सो so स्टूडेंट आपको हम यहाँ पर एक साइड में पेपर दिखाना साथ ही एक साइड में हम आपको आंसर दिखाएंगे ठीक है आप यहाँ पर तो दोनों आपको एक साइड में यहाँ पेपर दिख रहा होगा और एक साइड में हम आंसर दिखाएंगे ठीक है जो 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 आपका तीसरे का होता था जिसमें आपको अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना था ठीक है पर तो ये रहा आपका पोस्टर पूरा आपके यहाँ पर रियल आंसर है वो ठीक है आपका राइट आंसर है तो ये रहा पोस्टर इसके स्क्रीन शो कर लीजिए वो आपको ऐसे ही पोस्टर अपनी कॉपी में छाप देना है वो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको चार में चार मार्क्स मिलने वाले हैं और आप यहाँ पर इस तरह से पोस्टर बना दे दो ठीक है अब आपका क्वेश्चन चौथा आता है ठीक है क्वेश्चन चौथा आता है ठीक है आपको दिखा देते हैं जो क्वेश्चन चौथा है आपके यहाँ पर तो जो आपको चौथे का अथवा ठीक है जिसमें आपको यहाँ पर बर्थडे पार्टी पर अपनी फ्रेंड को इन्वाइट करना है ठीक है तो आपको लेटर लिखना है क्वेश्चन चौथे का जो अथवा है उसका आंसर देख लेते हैं तो एरा क्वेश्चन चौथे का अथवा का आंसर आपको दिखा देते हैं ठीक है एरा क्वेश्चन चौथे का अथवा का आंसर आप यहाँ पर ये हमने लेटर आपको दिखा दिया जिसमें आपको बर्थडे पार्टी पर इन्वाइट करना है ठीक है तो इसका आंसर आप देख लेते हैं क्वेश्चन चौथे का आतवा का आंसर है तो स्क्रीन आप घर लीजिए ठीक है वो राइट आंसर हम आपको दे रहे हैं अब चलिए आप, आप देख लेते हैं क्वेश्चन फाइव ठीक है क्वेश्चन फाइव आता है और जो क्वेश्चन फाइव उसका जो आपका अथवा क्वेश्चन है ठीक है तो जो क्वेश्चन क्वेश्चन अथवा जो क्वेश्चन फाइव का जो अथवा क्वेश्चन है उसमें आपका यहाँ पर दिया है इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट ठीक है इस पर आपको हम पैराग्राफ आपको यहाँ पर दिखाते हैं ठीक है थीके? तो आप यहाँ पर देते आपका पैराग्राफ ठीक है वैल्यू ऑफ़ गेम्स ठीक है वैल्यू का मतलब होता है इंपॉर्टेंट ठीक है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट तो ठीक है आप यहाँ पर देखते पूरा पैसेज तो इसका स्क्रीन शॉट लीजिए ठीक है स्क्रीन शॉट गाल लीजिए तो हमने यहाँ पर पैराग्राफ भी करा दिया आपको इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट पर पाँच में का तो हमने करा दिया तो आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट आराम से खा सकते हो ठीक है अब चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ फलिंदा बैलेंस आते हैं इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं तो फलिंदा बैलेंस आपके यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पे छः नंबर आपको पाँच करने हैं पहले ही रेगिस्तान माई पेन इन हिज बैक ठीक है तो पहले में आपका यहाँ पर क्या होने वाला पहले में आपका यहाँ पर हो जाएगा हिड हिड होने वाला और दूसरा था हाउ ब्लैंक्स टाइम्स हैव यू विजिटेड शिमला ठीक है तो आपको इसमें मैनी कर देना है फिर आपका यहाँ पर आता तीसरा अनुज इज जूनियर बलैक्स मी ठीक है तो इसमें आपको टू कर देना है ठीक है टू होने वाला आपका तीसरी में फिर आपको जो चौथा आता है बर् का हार्ड लेस्ट यू ब्लैक्स फेल तो फेल आपको चौथे में क्या बनना चौथे में भर देना आपको शॉर्ट ठीक है शॉर्ट भर देना है ठीक है थीका? पहला वाला आपको भर देना है पहला वाला आपको यहाँ पर चौथे रेके स्तर में भर देना है पाँच आता है डोंट बाल केयरलेसली ब्लैंक्स यू बिल फॉल डाउन तो में आपको यहाँ भर देना इल्स ठीक है ईल्स भर देना आपको पाँचवीं में और जो छः है ठीक है छः आप देख लेते हैं तो जो आपको छ माह ठीक है आपको दिखा देते हैं तो छ माह आता हार्डली हैड ठीक है हमने आपको पांच करा दिए ठीक है थीके? आपको पांच करने थे छः इसमें दिए तो पांच हमने करा दिए चलिए आप जान टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके आते हैं डू इट डायरेक्ट ठीक है तो आपके यहाँ पर आते हैं डूट डायरेक्ट आते हैं जो कि आपको यानी फाइव ठीक है पाँच करने हैं आपको डू इट डायरेक्ट तो जो आपके इनका सॉल्यूशन है वो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन में आप देख लीजिए ठीक है स्क्रीन में हम आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहे हैं डायरेक्ट का तो स्क्रीन शॉट लगाइए अब आप चलिए आपका आठवीं तो का यहाँ पर बी आता है ठीक है तो आपका यहाँ पर आठवां क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग स्टार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ये आपका पाँच नंबर का तो इसके आपके क्वेश्चन आते हैं इन बंडल लैंड इज ए क्रेडिट बॉय ठीक है पहले का आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा पहले का आंसर आपका ए करेक्ट आंसर होने वाला दूसरा आता है एलबीज कर लॉल ओपेंड दैट इंटरव्यूज एंड आउट ऑफ ग्राफ ठीक है इसका आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा और चलिए आप तीसरा क्वेश्चन आता हुआ है जे एक्सप्रेस्टेड ऑन हीज इंटरव्यूअर्से नेगेटिव बेलेडी ठीक है इसका आंसर आपका तीसरे का यहाँ पर बी हो जाएगा ठीक है तीसरे का आपके यहाँ पर कौन सा होने वाला बी और चौथा का आंसर आपका सी हो जाएगा द इंटरव्यू और जो पाँचवा क्वेश्चन है पाँचवीं का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा पाँचवे का आपके यहाँ पर होने वाला बी ठीक है पाँचवीं का आपके यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा तो फाइनली हमने आपका जो आठवा आट्म, आठवां दिया था ठीक है आठवा जो आपका आठवां क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पर करा दिया बेस्ट सोल्यूशन सही आप इसके तो स्क्रीन शो लीजिए साथ ही जो है यहाँ पर राइट आंसर है उस पर हमने यहाँ पर टिक कर दिया कि ग्रीन कलर से आप यहाँ पर देख सकते हो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग एस्ट्रक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फो ठीक है नौवा क्वेश्चन आता है नोमी का आपका ए आता है नोमी का ये आता है तो पहला क्वेश्चन आता नेम द पोएम एंड द पॉइंट ऑफ द ठीक है आपको जो आपके यहाँ पर दिया है पैराग्राफ ठीक है तो इसका आपको क्या करना आपको कौन सी पोएम से लिया गया है ठीक है आपको पोएम का नाम लिखना है तो अगर आपने यहाँ पर बुक को अच्छी तरह पढ़ा तो आपसे बनना चाहिए ठीक है थीके? आपको खुद करना नहीं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका आंसर मिल जाएगा पहले क्वेश्चन का ठीक है और दूसरा था भाट डूदा भाट डोदा फ्लोवर्स ऑफ सिटीज इन इना रोड साइड स्टैंड रेफर टू ठीक है तो इसका दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर डी होने वाला है दूसरे का आपका करेक्ट डी आंसर हो जाएगा फिर आपके यहाँ पर तीसरा था भाटीजा रोड साइड स्टैंड द पोयाम इसका आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो हमने आपके यहाँ आप पर जो नौवीं का ये था करा दिया अब नौवीं का बी आता है तो नौमी का भी ये देख लेते हैं ठीक है ये आपका पैसेज ठीक है तो नौवी का पहला आपका ये आता है तो पहले का आंसर आपका कौन सा होने वाला पहले का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर द टायर किंग हो जाएगा और फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है हुट द एज ऑफ टेन डेज तो इसका आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा ठीक है और जो आपका तीसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपका बी होने वाला है यहाँ पर देख लीजिए ठीक है तो हमने आपका नौमी का जो आपका बी था वो भी करा दिया अब चलिए ठीक है नौमी का बी आपका यहाँ पर करा दिया अब जो चौथे क्वेश्चन आता है चौथे का आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा चौथे का आपका एक राइट आंसर हो जाएगा अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन टेन आता आंसर आप फॉलोमेंगे क्वेश्चन इन अबाउट थर्टी वन एनी फाइव ठीक है पाँच करने हैं आपको तो जो इनका आंसर है वो देख लेते हैं हम सो so स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं आपको क्वेश्चन दस आता जिसमें आपको पाँच करने ठीक है पाँच करने तो जो आपका पहला क्वेश्चन है भाई डिफ्रेंड नॉट बैंट टू तो गो टू स्कूल दैट डे ठीक है इसका आंसर आप यहाँ पर देते हैं हम साइड में आपको दिखा रहे हैं तो स्क्रीन शॉट लगाइए वो आपका राइट आंसर ठीक है हमने प्रेस बैंक से यहाँ पर आंसर को नोट किया तो आप यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आता हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल मार्केस फोर ऑफ फिरोजाबाद ठीक है तो दूसरे का आंसर आपका ए रहा ठीक है एरा दूसरे का आंसर तो इसका स्क्रीन शॉट कर लीजिए और तीसरा आता भाई बद क्रॉप ट्र सो एंड फ्रेंडली विद द पेडला ठीक है तो तीसरे का आंसर आपका ये रहा ठीक है ए रहा आपका तीसरे का आंसर आपको दिखा देते रा तीसरे का आंसर स्क्रीन में आपको दिखाते दिया जा रहा है तो स्क्रीन शॉट आप लगाइए आराम से फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता चौथा भार्ट द सर्वेंट थिंक गांधी टू बी अनदर प्रेजेंट ठीक है तो इसका जो चौथे का आंसर रहेगा चौथे का आंसर आपका ये वाला हो जाएगा ठीक है ये रहा आपका चौथे का आंसर और फिर आपका पाँचवा आता भाट बर्ग भाट बर्ग द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो ठीक है तो पाँचवे का आंसर आपका ये रहा ठीक है यहाँ पाँचवीं का आंसर तो फाइनली हमने आपका जो टेन क्वेश्चन था वो हमने बेस्ट सोल्यूशन सहित पूरा करा दिया ठीक है आपने यहाँ पर स्क्रीन शॉट भी ग लिया होगा अब आपका क्वेश्चन ग्यारह आता है क्वेश्चन ग्यारह आप यहाँ पर देते क्वेश्चन ग्यारह आपका यहाँ पर आता है आपको दिखा देते हैं तो पूरा पेपर हम यहाँ पर संपुर हल से कराने वाले आपका क्वेश्चन ग्यारह आता है तो इसका आंसर थोड़ी देर में देख लेते हैं और बारहवें क्वेश्चन का भी हम आंसर थोड़ी देर दे दे में देख लेते हैं जो तेरहवा क्वेश्चन इसे भी छोड़ देते हैं जो आपका चौदह क्वेश्चन है ठीक है जिसमें आपको यहाँ पर सेंटर आई लिखना है जो छः आपका चंदवी का अथवा है ठीक कीपिंग क्वाइट पर आपके यहाँ पर जो सेंटर आई दिया दिया गया है उसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए ठीक है ये आपका चंदवीं का आंसर चंदवीं का जो अथवा है उसका आंसर है कीपिंग क्वाइट कीपिंग क्वाइट पर हमने यहाँ पर सेंटर आई आपको दे दिया ठीक है अब आपका पंद्रह क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पंद्रह क्वेश्चन को जो आपको अथवा ठीक है आपको दिखा देते हैं जो पन्वे का अथवा हाउ डिड जित का, जित काला सा फील भैन हर लॉन्ग हैवी यार बज का ठीक है इसका आंसर आप देते हैं राय इसका आंसर तो हमने आपका चंदो क्वेश्चन का आंसर करा दिया पंद्रह का करा दिया ठीक है और जो आपके यहाँ पर वो था क्या हम हाँ, आपको दिखा देते हैं ठीक तो, है हाँ, आपने यहाँ पर स्क्रीन शॉट घाट लिया हुआ स्क्रीन शॉट नहीं गाला तो गाड़ लीजिएगा ठीक है और जो आपको मैंने हम, हमने सोलूशन कराया अगर आप इस सोलूशन का पी डी डन करना चाहते हैं तो इसका पी डी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक के यहाँ बीडियो के डिस्क्रशन दी रखी है तो ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही आपको टेलीग्राम में सोलूशन का पी डीएम मिल जाएगा ठीक है तो आपके हमने कुछ यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ दिए ठीक है हमने आपके ठीक है आपको दिखा देते हैं आपके हमने तेरहवा क्वेश्चन छोड़ दिया ठीक है और चौदमा और साथ ही हमने आपका एक चीज़ भी यहाँ पर आपकी दिखा देते हैं ठीक है आपकी जो यहाँ पर नोट्स में मैक्स अभी रहती है थी, ठीक है जिसमें आपको टाइटल लिखना पड़ता है ये भी हमने छोड़ दिया तो जो इन सभी के आंसर है वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में ठीक है इन सभी के आंसर आपको टेली टी ग्रुप में मिल जाएंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ही इनके आंसर मिल जाएंगे ठीक है तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके और सब्जेक्ट के शुरू रिस के लिए जॉइन जवाब